हेलो दोस्तों, भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उद्यान विज्ञान का बाहर उपचार। देखो, बाहर उपचार से पहले अपने को पता होना चाहिए कि बाहर क्या होती है। पौधों में जो पुष्पन आने का समय होता है उसको बाहर का आना कहते हैं, यानी वैसे जनरली जो प्रजनक अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, बाहर कहते हैं। ठीक है, तो पौधों में प्रजनक अवस्था पुष्पन, पुष्पन का आना बाहर का आना। अब देखो, पुष्पन को आने से रोक देना क्या कहलाता है, बाहर उपचार। पुष्पन को आने से क्यों रोकेंगे भी, कुछ फल वृक्ष जैसे अनार, अमरूद, नींबू वर्गीय है, इसमें क्या होता है, साल के तीनों सीजन में ही पुष्पन आता है, यानी साल में 3 बार पुष्पन आता है। अगर हम 3 बार पुष्पन से फलन ले लेते हैं तो फलन की गुणवत्ता क्या हो जाती है, कमजोर, फल छोटा रह जाता है, उसका कलर भी अच्छा नहीं होता है, मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं मिलती है, उत्पादन भी कम हो जाता है, इसलिए हमारा मुनाफा कम हो जाता है। तो बेटर ये रहेगा कि 2 बार के पुष्पन को साल में 2 बार को क्या कर दो, आप रोक दो, 2 बार के पुष्पन को रोक दो, 1 बार के पुष्पन से फलन लो, तो फलन की गुणवत्ता बहुत बढ़िया रहेगी, आपका मुनाफा भी अच्छा रहेगा और मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिलेगा। ये 2 बार जो पुष्पन को अपने रोक रहे हैं उसको अपने क्या बोलेंगे, बाहर उपचार, यानी पुष्पन को आने से रोकना क्या कहलाता है, बाहर उपचार। अब देखो, ये 3 बार साल में पुष्पन आता है तो इन तीनों को अलग अलग बाहर के नाम दे दिए जाते हैं। एक है अंबे बहार, दूसरी है मृग बहार, तीसरी है हस्त बहार। देखो, सबसे पहले जो बहार आती है वो अंबे बहार। अंबे नाम पड़ा आम से, आम में जब पुष्पन आता है उसके साथ ही पुष्पन होता है, उस बहार को कौन सी बहार कहते हैं, अंबे बहार। आम में पुष्पन होता है फरवरी मार्च, तो अंबे बहार में भी पुष्पन कब होता है, फरवरी मार्च। दूसरी है मृग बहार, मृग बहार में पुष्पन होता है मानसून में, यानी जून जुलाई में। साल की जो अंतिम की बहार है वो है हस्त बहार, यानी साल अस्त हो रहा है, अंत हो रहा है साल का, उस समय जो बहार आ गई वो हस्त बहार है, तो हस्त बहार में पुष्पन कब होता है, अक्टूबर नवंबर के अंदर। तो साल के शुरू में आ रही है वो आम के साथ पुष्पन अंबे बहार, और साल के अंत में जो आ रही है, यानी जो साल के अस्त होने पे आ रही है, उसको याद रख लो हस्त बहार, यानी साल के अंत वाली है हस्त बहार, अक्टूबर नवंबर। बची कौन सी, मृग बहार, तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप जानते हो कि 3 सीजन है साल के हिसाब से देखो तो, जायद है, खरीफ है, और कौन सा है, रबी है। इनकी जो बुआई का समय है वो ये तीनों बहार में पुष्पन आने का समय होता है। जायद कब शुरू होता है, फरवरी मार्च, तो अंबे बहार फरवरी मार्च। खरीफ है कब शुरू होता है, जून जुलाई में, तो पुष्पन का, मृग बहार के पुष्पन का समय है जून जुलाई। रबी का शुरू समय कब शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर, तो हस्त बहार के पुष्पन का समय है कौन सा है, अक्टूबर नवंबर है। इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो, यानी आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात आती है, अंबे बहार में पुष्पन का समय हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट है फलन का समय। फलन का समय क्या होगा, जो पुष्पन का समय उसमें 5 महीने दौड़ दीजिए। अनार, अमरूद और नींबू में क्या होता है, पुष्पन के 5 महीने बाद फलन हो जाता है। जैसे फेब में आप 5 महीने जोड़ के देख लिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, तो 5 महीने हो जाएंगे, तो 5 महीने बाद क्या हो जाता है, फलन हो जाता है। तो अंबे बहार में आप 5 महीने जोड़िए पुष्पन में, तो जुलाई अगस्त आ जाएगा। मृग बहार में फलन का समय होता है नवंबर दिसंबर, और हस्त बहार में पुष्पन का समय होता है मार्च अप्रैल। अब नेक्स्ट बात आती है, बाहर उपचार कब करें। देखो, बाहर उपचार आप कब करोगे, जब पुष्पन आने वाले हैं उसे पहले पहले करोगे, यानी पुष्पन को रोकना है हमें, फूल आने को रोकना है, या फूल आगे उनको झाड़ देना है, फूल से फल नहीं बनने देना है। अगर फूल से फल बन गए तो क्या हो जाएगा, भोजन खर्च हो जाएगा, फिर हमारे बाहर उपचार का कोई फायदा नहीं रहने वाला। तो पुष्पन के 2 महीने पहले क्या किया जाता है, बाहर उपचार शुरू कर देते हैं। जनरली बाहर उपचार का सबसे जो ज्यादा मेथड अपनाया जाता है वो यही होता है कि सिंचाई को रोक दिया जाता है, जिससे पानी की कमी से या तो फूल आते नहीं, या आते हैं तो पानी की कमी से क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो बाहर उपचार कितने समय पहले करते हैं, पुष्पन के 2 महीने पहले करते हैं। तो जाहिर सी बात है, 2 महीने पहले अपने सिंचाई रोक देंगे तो क्या हो जाएगी, बाहर उपचार हो जाएगा। तो सबसे पहले अंबे बहार में पुष्पन कब होता है, फेब मार्च में होता है, तो अपने बाहर उपचार कौन सा समय रहेगा, 2 महीने पहले, दिसंबर जनवरी में अपने सिंचाई रोक देंगे तो अंबे बहार के फूल नहीं आने वाले, आ जाएंगे तो वो झड़ जाएंगे। नेक्स्ट है मृग बहार। मृग बहार के लिए अपने क्या करते हैं, अप्रैल का जो तीसरा वीक होता है वो सबसे बढ़िया रहता है। कारण क्या होता है, हमें तीसरे वीक तक कर देनी है, इसका मतलब ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्री मानसून की जैसे बारिश वगैरह आ जाती है तो पानी मिल जाता है, फिर पुष्पन से फलन बन जाएगा, फिर बाहर उपचार का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये एक्यूरेट आप याद रखना, जो मृग बहार है उसकी बाहर उपचार अप्रैल के तीसरे सप्ताह में कर देते हैं, अंबे बहार का जो बाहर उपचार है दिसंबर जनवरी में करते हैं, और हस्त बहार का है वो कब करते हैं, अगस्त सितंबर में करते हैं। 2 महीने पहले कौन से हो जाएंगे पुष्पन के, पुष्पन अक्टूबर नवंबर में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अपने बाहर उपचार कब करेंगे, अगस्त सितंबर के अंदर कर देंगे। ये जो इंडेक्स बनाइए वो अच्छे से याद रख लेना, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बाहर उपचार की विधियों की बात करें अपने, अभी तो अपने एक बात की थी, सबसे बढ़िया विधि वो कौन सी है, सिंचाई रोकना।
2 महीने पहले क्या करेंगे, पुष्पन के 2 महीने पहले अपने सिंचाई रोक देंगे, या तो पुष्पन होगा नहीं, होगा तो पुष्पन पानी की कमी से क्या हो जाएगा, फूल झड़ जाएंगे। दूसरी विधि होती है देखो अमरूद के अंदर अपनी बात करें तो पूर्वी भारत के अंदर, पूर्वी भारत में लोग विंटरिंग की क्रिया करते हैं, विंटरिंग की क्रिया करते हैं। अब देखो विंटरिंग की क्रिया से बाहर उपचार हो जाता है। विंटरिंग की क्रिया क्या होती है, यह अमरूद का तना है, इसकी 1 मीटर की दूरी पर एक अपने नाली खोद लेते हैं, नाली की जो चौड़ाई है खोदने की वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी लगभग फावड़े की जो चौड़ाई होती है वो नाल 1 मीटर, इस जो तना होगा उसकी 1 मीटर की पेरी पेरी में अपने 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 से 70 सेंटीमीटर गहरी नाली खोद लेते हैं। इसके अंदर जितनी भी जड़े बड़े आती है उनकी सबका क्या हो जाएगा, कट जाएगी, सभी का कर्तन हो जाएगा, वो कट जाएगी। अब इसको आप 15 दिन क्या करिए, खोल के रखिए, 15 दिन को नाली को खुला रहने दीजिए। 15 दिन बाद क्या कीजिए, आप इसमें जो कार्बनिक पद की खाद, कार्बनिक पदार्थ की जो खाद है, चाहे वो केंचुए की खाद है, चाहे गोबर की खाद है, चाहे कंपोस्ट की खाद है, वो इसको नाली को भर दीजिए। इसे इससे क्या होगा, जो पुष्पन का समय था वो तो निकल गया, पुष्पन तो होने वाला नहीं है। अब ये जो जड़े कटी है वो धीरे धीरे वापस क्या करेगी, वृद्धि। अब इसमें मूल रोम आएंगे तो पोषक तत्व अधिग्रहण करेंगे। ये बाहर तो निकल चुकी है लेकिन अगली बाहर में क्या होगा, फलन बहुत ही अच्छा होगा। अपने विंटरिंग की क्रिया से क्या कर दिया, एक बाहर को रोक दिया और अगली बाहर में हमने इसमें जो कार्बनिक खाद वगैरह भरी है उससे उत्पादन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके 2 फायदे हो गए, बाहर उपचार हो गया और अगली बाहर के लिए क्या हो गया, अच्छा पोषक तत्व भी ग्रहण कर लिया। अब देखो इसको विंटरिंग क्यों कहा, विंटरिंग का वैसे तो मतलब क्या होता है, सर्दी होता है। पौधे प्राकृतिक रूप से सुषुप्त अवस्था में ज्यादातर कब जाते हैं, सर्दियों में जाते हैं, जो पर्णपाती पौधे होते हैं तो वो जब सुषुप्त अवस्था में जाते हैं तो वो एक तरह से आराम करते हैं। हमने क्या किया, इसको कृत्रिम आराम करवा दिया। पौधे प्राकृतिक रूप से आराम कब करते हैं, सुषुप्त अवस्था में जाते हैं तब करते हैं, मेस्तली पर्णपाती पौधे जाते हैं वो भी सर्दियों में, हमने इसको कृत्रिम रूप से आराम करवाया इसलिए क्या बोल दिया, इसको विंटरिंग बोल दिया। तो अमरूद में विंटरिंग से भी क्या किया जाता है, बाहर उपचार किया जाता है। उसके अलावा अमरूद की सबसे प्रसिद्ध किस्म है इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा। इलाहाबाद सफेदा के अंदर आप क्या करोगे, 10% यूरिया का छिड़काव कर दो, 10% यूरिया का छिड़काव कर दो तो भी फूल जड़ जाते हैं, यानी बाहर उपचार हो जाता है। अमरूद की सबसे प्रसिद्ध किस्म है इलाहाबाद सफेदा। दूसरी है L49 या लखनऊ 49 या सरदार के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके अंदर आप बाहर उपचार करोगे तो आपको कितने यूरिया का छिड़काव करना पड़ेगा, 20% यूरिया के घोल का छिड़काव कर दिया जाता है जिससे बाहर उपचार हो जाता है। इलाहाबाद सफेदा के लिए 10% यूरिया और L49 के लिए 20% यूरिया बाहर उपचार के लिए काम में लेते हैं। उसके अलावा अमरूद के अंदर 200 ppm NAA नेप्थलिक एसिटिक एसिड का भी छिड़काव करने से क्या हो जाता है, बाहर उपचार हो जाता है। तो ये बाहर उपचार की विधि है, इनमें सबसे जो प्रचलित विधि है वो क्या है, 2 महीने पहले अपने सिंचाई को रोक देते हैं, वही सबसे बढ़िया विधि होती है। तो ये बाहर कब आती है, पुष्पन का समय क्या है, फलन का समय क्या है और बाहर उपचार कब करना चाहिए और बाहर उपचार की विधियां क्या, उनकी बात कर ली। अब अपने बात करते हैं बाहर की विशेषता, तीनों बाहर है इनकी क्या विशेषता है, हमें विशेषता पता होगी तभी पता होगा हमें कौन सी बाहर लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। सबसे पहले मैं बात करूं अंबे बाहर, अंबे बाहर में पुष्पन का समय कौन सा है, फरवरी मार्च। फलन का समय कौन सा है इसमें, जुलाई अगस्त। अगर अपने दूसरी बाहर की बात करें तो दूसरी बाहर कौन सी है, मृग बाहर। मृग बाहर में पुष्पन का समय कौन सा है, जून जुलाई, और फलन का समय कौन सा है, नवंबर दिसंबर। नेक्स्ट अपने बात करें साल के अंत में जो बाहर आती है वो कौन सी है, हस्त बाहर। हस्त बाहर में पुष्पन का समय कौन सा है, अक्टूबर नवंबर, और फलन का समय कौन सा है, मार्च अप्रैल। ठीक है, ये तीनों बाहर हो गए। अब सबसे पहले अपने मृग बाहर की बात करते हैं, मृग बाहर में पुष्पन कब से हो रहा है, जून जुलाई से, और फलन कब जाके होगा, नवंबर दिसंबर में होगा, यानी मानसून शुरू होने के साथ ही पुष्पन हो जाता है और जून से लेकर अक्टूबर तक बारिश रहती है, यानी लगभग ये जो फसल है वो कब तैयार होती है, मानसून के पानी से तैयार होती है।
मानसून में बारिश कभी कम ज्यादा, कभी कम ज्यादा, तो नमी का फ्लक्चुएशन रहता है, कभी नमी कम है कभी ज्यादा है। और ऑल ओवर अपने पूरे साल के हिसाब से बात करें तो मानसून में सबसे ज्यादा नमी रहती है। अब आपको एक चीज तो पता होगा, नमी ज्यादा होने पर रोग व कीट ज्यादा लगते हैं। तो सर्वाधिक रोग व कीट कौन सी बहार में लगते हैं? मृग बहार में लगते हैं। अनार के अंदर जब पानी का असंतुलन रहता है तो फल फटने की समस्या रहती है। तो फल फटने की समस्या सबसे ज्यादा कौन सी बहार में रहती है? मृग बहार में। रोग कीट भी सबसे ज्यादा मृग बहार में, फल फटने की समस्या भी सबसे ज्यादा मृग बहार में। वातावरण में नमी होती है ज्यादा तो टीएसएस क्या मिलेगा इसके अंदर? कम मिलेगा। ठीक है, नमी ज्यादा है तो रंग भी क्या होगा? अच्छा नहीं होगा इतना ज्यादा। लेकिन क्या, पानी की उपलब्धता बहुत है, इस वजह से क्या होगा? फलन बहुत अच्छा होगा, उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यानी अपने यह कह सकते हैं उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन गुणवत्ता क्या होती है? कम होती है। फल फटने की समस्या सबसे ज्यादा मृग बहार में, रोग व कीटों की समस्या सबसे ज्यादा मृग बहार में। लेकिन यह मृग बहार वहां ले लेनी चाहिए जहां पानी की कमी है ना। जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में अनार, अमरूद और नींबू की कौन सी बहार ली जाती है? मृग बहार ली जाती है। जहां पानी की कमी है वहां पे कौन सी बहार ले लेनी चाहिए? मृग बहार, क्योंकि वहां तो पानी होगा ही कब? थोड़ा बहुत जितना होगा वो कब होगा? मानसून के अंदर। तो राजस्थान के किसान ज्यादातर जो इन फलों की कौन सी बहार लेते हैं? मृग बहार, क्योंकि ये मजबूरी है। नेक्स्ट अपने बात करें अंबे बहार। अंबे बहार में पुष्पन कब से होता है? फरवरी मार्च। और फलन कब होता है? जुलाई अगस्त। देखिए इस बहार के अंदर अपने जो फलन है वो पूरा का पूरा सिंचाई पर, फसल अपनी पूरी सिंचाई पर निर्भर है। हम अपने एक संतुलित मात्रा में पानी देंगे, फल वल फटने की समस्या नहीं पाई जाती है, वातावरण में नमी भी ज्यादा नहीं है, रोग कीट भी क्या है ज्यादा नहीं होता है इस बहार के अंदर। ठीक है, जो फलों का रंग होता है वो कुल मिला के अच्छा होता है, टीएसएस भी क्या होता है? अच्छा होता है। और गुणवत्ता भी क्या होती है? अच्छी होती है। गुणवत्ता अच्छी यानी टीएसएस क्या होगा? अच्छा होगा। यानी टीएसएस बोले तो मिठास। रंग भी क्या होगा? अच्छा होगा। देखो अमरूद है, नींबू है और अनार, इनके ऑल ओवर प्रोडक्शन के अनुपात में बात करें तो सबसे ज्यादा ये दक्षिणी भारत में ही होते हैं। वैसे तो अमरूद का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, अनार का महाराष्ट्र में होता है और नींबू वर्गीय का सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन ऑल ओवर अपने बात करें तो दक्षिणी भारत में होता है। ठीक है, तो दक्षिणी भारत के किसान है वो ये मृग बहार नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जिस समय पुष्पन आता है वहां खूब बारिश होती है, फूल वूल झड़ जाते हैं, तो मृग बहार तो दक्षिणी भारत के किसान ले ही नहीं पाते, तो वो कौन सी बहार लेते हैं? अंबे बहार। तो दक्षिणी भारत के किसान इस बहार से फलन लेते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा एरिया ही दक्षिणी भारत में है और वो अंबे बहार में लेता है और यहीं से सबसे ज्यादा निर्यात होता है, तो सबसे ज्यादा निर्यात कौन सी बहार के फल होते हैं? अंबे बहार के। निर्यात सर्वाधिक अंबे बहार के फलों का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, ये अंबे बहार की विशेषता होगी। नेक्स्ट चलते हैं हस्त बहार। बारिश खत्म होने के बाद क्या होता है इसके अंदर? पुष्पन होता है अक्टूबर नवंबर में और पूरी की पूरी फसल है वो सिंचाई पर निर्भर होती है। ठीक है, इसमें बारिश का कोई रोल नहीं रहता। अंबे बहार में देखो जिस समय फल पक रहा था उस समय बारिश आ गई है, नमी बढ़ गई है, तो थोड़ा टीएसएस क्या होगा? कम, लेकिन कुल मिला के टीएसएस अच्छा होता है। ये तो पूरी की पूरी फसल ही सिंचाई पर निर्भर है और जिस समय फसल पकती है या फल पकते हैं उस समय क्या होता है? तापमान बहुत होता है, गर्मी बहुत होती है, तो इसका टीएसएस सबसे अच्छा होता है। टीएसएस सबसे अच्छा, रंग भी क्या होगा? सबसे अच्छा। तो सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाला होता है वो कौन सा होता है? हस्त बहार का फलन। लेकिन ये पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर है, पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर है, तो अब इस समय क्या होता है लास्ट में गर्मी भी आ जाती है, तो इसमें गर्मी की वजह से उत्पादन कम होता है और सिंचाई पर निर्भर होता है, पानी खूब नहीं होता है। ठीक है, तो इसका उत्पादन अपने भारत में क्या होता है? कम होता है, लेकिन गुणवत्ता क्या होती है? सबसे अधिक होती है, उत्पादन सबसे कम। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जिस समय इसका फलन आता है मार्च अप्रैल में उस समय और दूसरे फलों की उपलब्धता क्या होती है? कम होती है, क्योंकि शीतोष्ण वाले तो उस समय क्या है सुषुप्त अवस्था से निकलते ही है, अभी तो उनमें फलन होने वाला है। जून जुलाई के अंदर तो मई के बाद तो फलन बहुत सारे मिलने लग जाते हैं, जैसे आम वगैरह भी मिल जाते हैं, मार्च अप्रैल में फलों की उपलब्धता कम होती है, तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो प्राइस मिलता है बाजार में वो कौन सी बहार में मिलता है? तीनों में से हस्त बहार में।
बाजार भाव सर्वाधिक। एक चीज ध्यान रखना, जिस समय फल पक रहे होते हैं उस समय तापमान अधिक होता है और नमी कम होती है, तो टीएसएस ज्यादा रहता है और रंग बहुत बढ़िया रहता है। तो इस समय तापमान ज्यादा है और क्या है, नमी कम है, तो टीएसएस भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है, यानी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, उत्पादन लेकिन कम होता है और बाजार भाव सर्वाधिक होता है। अब राजस्थान में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राजस्थान के जो जोधपुर के किसान हैं, देखो जोधपुर है, जालौर है, ये अनार उत्पादन के लिए खूब फेमस है। तो राजस्थान में जो जोधपुर के किसान है वो अनार की कौन सी बाहर लेते हैं, हस्त बाहर लेते हैं। अब जोधपुर में मारवाड़ी लोग हैं, वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो वो बिजनेस के हिसाब से ही सोचते हैं, तो वो अनार की कौन सी बाहर लेते हैं, हस्त बाहर लेते हैं। बाकी राजस्थान के किसान है, चाहे कोई सा भी फल है जिनमें बाहर आती है, उनमें मरिक बाहर लेते हैं। सिर्फ जोधपुर के किसान है जो अनार की कौन सी बाहर लेते हैं, हस्त बाहर लेते हैं, जिससे वो ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो ये हमारा बाहर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।